फाइनली दोस्तों मैं इराक आ गया और आई एम वेरी हैप्पी। एक चीज़ क्या हुई कि यहाँ ना हमारे पासपोर्ट जमा कर लिए, ये थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा। बता रहे हैं कि इराक में ऐसे होता है कि यहाँ कभी भी युद्ध छिड़ जाता है ना, इसलिए पासपोर्ट ले लेते हैं। और जितनी भी कंट्री घूमा हूँ वहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ, तो यहाँ पहली बार हुआ। यहाँ का आसपास का व्यू दिखा दूंगा आपको। मार्केट, ये इस तरह की मार्केट है इराक की। ये सामने घर बने हुए दिखाई दे रहे होंगे आपके। इराक में रूम लिया है और यहाँ की कंडीशन देखकर हमें रूम तो खैर अच्छा मिल गया। इंडिविजुअल इंसान का आना इतना आसान है नहीं, हर जगह कैमरे हैं और इमिग्रेशन बहुत टाइट है और सिक्योरिटी बहुत टाइट है। मतलब टीवी खोल के देखोगे तो हमेशा लड़ाई की बात चल रही होगी। कैसे हो दोस्तों, एक नया दिन, एक नया सफर, फाइनली आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि आज से हमारी जो है इंटरनेशनल सीरीज शुरू होने वाली है और आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि ये मेरी पांचवी कंट्री होने वाली है और बहुत ही मजा आने वाला है। और मैं जो ट्रैवल करने वाला हूँ वो इराक करने वाला हूँ, जी हाँ। और आज ही मेरी फ्लाइट है, इससे मैं 10 बजे रहे और सुबह को 3 बजे मेरी फ्लाइट है, दिल्ली एयरपोर्ट से है, जो कि बगदाद जाएगी वाया होते हुए। मजा आने वाला है। 15-20 दिन जब मैं यहाँ रहा ना, तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि मुझे आई थिंक उस समय एक दो देश और घूम लेने चाहिए थे, लेकिन कहते हैं ना जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन जो 15-20 दिन का जो एक्सपीरियंस था ना वो बड़ा लाजवाब था। और वो कहते हैं ना कि बड़ी दूर जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि नज़दीक कौन है, तो 15-20 दिन ने काफ़ी कुछ सिखाया। बाय द वे हमारी नई सीरीज शुरू होने वाली है इराक, और इराक को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करने वाला हूँ। जिस तरीके से आपने इजिप्ट और जॉर्डन सीरीज को प्यार दिया, जिस तरीके आपने मक्का मदीना वाली सीरीज को प्यार दिया, जिस तरीके से आपने दुबई वाली सीरीज को प्यार दिया, आई होप आप इस सीरीज को भी ज़्यादा प्यार देंगे। तो अभी 10 बज रहे हैं और अभी मैं जा रहा हूँ दिल्ली एयरपोर्ट, जहाँ से मुझे फ्लाइट लेनी है जो सुबह 3 बजे की है। क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनल फ्लाइट में ना आपको 3 से लेकर 4 घंटे पहले जाना पड़ता है क्योंकि इमिग्रेशन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो दोस्तों क्या करते हैं, ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया एयरपोर्ट, और हुआ क्या कि जैसे इमिग्रेशन हो रहा था ना, तो उन्होंने पूछा कि जो ऑफिसर होते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा इराक। और इराक का नाम सुनने के बाद ना उन्होंने 20-25 सवाल पूछ दिए, जबकि होता कुछ नहीं है, 3-4 सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने इराक का नाम लिया तो वो ना मतलब पूछने लगे भाई कहाँ रहते हो, क्या करते हो, मकसद क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है आपका, क्यों जा रहे हो, मकसद क्या। फिर मैंने कहा सर मैं ग्रुप में जा रहा हूँ, तो कहीं जाकर उन्होंने राहत की सांस ली। और मतलब इससे ये साबित हुआ कि अगर आप अकेले जा रहे हो ना इराक, तो थोड़ा सेंसिटिव, क्योंकि आपको पता है अभी पीछे वहाँ लड़ाई तो चलती रहती है इराक में, ये चीज़ नॉर्मल है, तो ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, यानी इमिग्रेशन में ना ज़्यादा दिक्कत आती है। लेकिन जैसे मैंने कहा सर मेरा ग्रुप जा रहा है और हम वहाँ जो जा रहे हैं वो ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, ये वजह है, तो मैंने उन्हें समझाया तो वो खैर माने। उसके बाद भी उन्होंने 20-25 सवाल पूछे, तो ये अभी तक का सबसे मेरा हार्ड इमिग्रेशन हुआ। तो फाइनली मैं इस समय जो हूँ एयरपोर्ट के अंदर हूँ, सब कुछ हो चुका है, बोर्डिंग पास, इमिग्रेशन, सब कुछ हो गया। अभी फ्लाइट पकड़नी है हमें, और ये फ्लाइट हमें जो है शारजा यानी छोड़ेगी, उसके बाद फिर वहाँ से हमें एक फ़्लाइट और लेनी है। तो फ्लाइट के अंदर का व्यू देखते हैं। तो मैं फाइनली इस समय शारजा एयरपोर्ट पर हूँ, और इस समय जो बज रहे हैं 7 बज रहे हैं, और यकीन मानिए 1 घंटे हमारी फ़्लाइट लेट थी, नींद ऐसी आ रही थी बहुत भरने वाली। तो यहाँ हमने थोड़ा 15-20 मिनट का ब्रेक लिया, और उसके बाद 9:30 बजे यहाँ से जब फ्लाइट जाएगी ना वो बगदाद जाएगी। और ओवरऑल खाना भी ठीक ठाक था, बट 1 घंटा फ्लाइट लेट हो गई थी। तो यहाँ का एयरपोर्ट दिखाता हूँ आपको मैं शारजा का थोड़ा सा। भाई ये हमारी बगदाद वाली फ्लाइट है और इसी हम जा रहे हैं। मौसम ठीक है, ठंड सी है भाई, शारजा पे तो बहुत ठंड लग रही है, बगदाद में तो आई थिंक और भी ज़्यादा ठंड होगी। तो भाई मेरी जो सीट है ना वो 6F है, ये भी सही हुआ, यहाँ भी मुझे जो है विंडो सीट मिली है। तो भाई अपनी सीट है 6F, और मुझे उस बार भी जो है विंडो सीट मिली और यहाँ भी विंडो सीट मिल गई भाई। तो भाई फाइनली मैं अपनी सीट पर बैठ चुका हूँ, और रात ना मैं व्यू नहीं दिखा पाया था रात की वजह से, तो अभी मैं जाते समय व्यू दिखाऊंगा। जब मैं बगदाद पहुंच जाऊंगा तो वहां का व्यू दिखाऊंगा। इराक जा रहा हूं फर्स्ट टाइम, आई एम सो एक्साइटेड। मौसम ठंडा है और खाने में देखते हैं क्या मिलता है, बट भूख बहुत तेज लग रही है और नींद भी बहुत तेज लग रही है।
फाइनली दोस्तों मैं इराक आ गया और आई एम वेरी हैप्पी। और बहुत दिनों बाद मेरा एक इंटरनेशनल ट्रिप शुरू हुआ है और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई वो आई इमिग्रेशन में, क्योंकि दोस्तों बहुत सवाल पूछ जाते हैं इराक आने के लिए। अगर सिंगल है हो ना, इंडिविजुअल हो, तो फिर भी इतना आना आसान है नहीं, क्योंकि यहाँ पर युद्ध की स्थिति ना कभी भी हो जाती है। तो मैं भी इस समय एयरपोर्ट में हूँ और यहाँ से हमारी बस आएगी जो हमें रिसीव करेगी और उसके बाद मैं रूम टूर दूंगा। बट यहाँ का एयरपोर्ट ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही शानदार। और यहाँ पर जो लैंग्वेज है ना उसकी तो प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है, इनकी अपनी एक लैंग्वेज है। और देखते हैं सिम कौन से लेते हैं। और एक चीज़ अच्छी ये लगी मुझे कि अभी व्हाट्सएप पर मेरी कॉल पर बात हुई, तो व्हाट्सएप पर बात हो रही थी, इसका मतलब यहाँ पर व्हाट्सएप बैन नहीं है, ये मुझे अच्छा लगा भी। तो भाई अभी ना मैं एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ हमारी बस आ गई है, लेकिन एक चीज़ क्या हुई कि यहाँ ना हमारे पासपोर्ट जमा कर लिए, ये थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा। बता रहा है कि इराक में ऐसे होता है कि यहाँ कभी भी युद्ध छिड़ जाता है ना, इसलिए पासपोर्ट ले लेते हैं। और जितनी भी कंट्री घूमा वहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ, तो यहाँ पहली बार हुआ। खैर पीछे ये बस खड़ी है, इसमें सामान रख दिया है। तो अभी जो जा रहे हैं ना हम अपने रूम जा रहे हैं, और रूम पर चलने के बाद मैं अपना रूम टूर दिखाता हूँ आपको। मौसम बहुत प्यारा है भाई, यहाँ का कितना शानदार व्यू आ रहा है। हमारी बस आ गई है और ये यहाँ आप देख सकते हो, ये है बगदाद यानी कतर, और जस्ट सामने हमारा होटल है जहाँ हमें जाना है। ओवरऑल यहाँ का लुक की बात बताऊँ आपको, तो यहाँ की करेंसी बहुत डाउन है, और यहाँ से आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि काफ़ी पिछड़ा हुआ आप कह सकते हो इसको, बहुत ज़्यादा। तो अभी जो हम चलेंगे ना सीधे होटल में चलेंगे। तो वही फाइनली सामने वाला ये होटल है, ये हमारा होटल है। और यहाँ का आसपास का व्यू दिखा दूँगा आपको, मार्केट ये देखिए, ये इस तरह की मार्केट है इराक की। ये सामने घर बने हुए दिखाई दे रहे होंगे आपके, ये मार्केट है। नेक्स्ट व्लॉग में अच्छी तरह से एक्सप्लोर करूंगा। और अभी जो हम जा रहे हैं इस वाले होटल में जा रहे हैं सामने। भाई सही मायनों में ना इराक आना इतना इजी नहीं है, यहाँ पर जो सिक्योरिटी है और यहाँ की जो इमिग्रेशन है ना बहुत टाइट है, क्योंकि यहाँ पर ना आए दिन जो है युद्ध होते रहते हैं, आपको पता है लड़ाइयाँ होती रहती हैं, चेकिंग बहुत है, बहुत सख्त चेकिंग है। लेकिन फाइनली दोस्तों हम जो है इराक आ चुके हैं। तो भाई अभी हम जा रहे हैं अपने होटल के अंदर और दिखा देता हूँ आपको, ये होटल है जहाँ पर हम स्टे करने वाले हैं। तो भाई अभी मैं अपने रूम में चल रहा हूँ, बट मुझे यहाँ की ना पेंटिंग बहुत अच्छी लगी यार, देखो कितनी प्यारी पेंटिंग है यार, ये देखो कुछ ना फील करा रही है, ये देखो कितनी शानदार पेंटिंग है यार। तो रूम जो होता है दोस्तों ये शेयरिंग में होता है, इजिप्ट की तरह नहीं था ये। तो इसमें दो बेड हैं, इन्होंने एक फ्रीज दे रखा है, ये इसका टॉयलेट हो गया, टॉयलेट भी देखियो कितना एडजस्ट वाला है। कि कतर में आप क्या उम्मीद कर सकते हो, पर ये कतर कह रहा हूँ इराक में। ये दो हैं क्योंकि हम दो लोग हैं, तो मैं इधर आ जाऊँगा, दोस्त इधर आ जाएंगे। ये शायद पीछे का व्यू है, और ये अलमारी है। तो ओवरऑल ठीक है देखा जाए तो, बट मुझे यहाँ की पेंटिंग बहुत अच्छी लगी। तो मेरा रूम है, ये फ्रीज है, इसमें हम सामान वगैरह जो है एडजस्ट कर सकते हैं, ये चाय पीने के लिए दे दिया उन्होंने। तो भाई इराक में रूम लिया है और यहाँ की कंडीशन देखकर हमें रूम तो खैर अच्छा मिल गया, क्योंकि इराक में आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और सिर्फ यहाँ पर ज्यारत हैं उसको छोड़कर ज़्यादा कुछ हमें कुछ ज़्यादा एडवांस नहीं मिला। तो अब मैं इस ब्लॉग को नहीं एंड कर रहा हूँ, आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पूरी सीरीज आएगी ज़रूर देखें। और मोरल ये है कि बहुत सिक्योरिटी है, बहुत सावधानी है, इंडिविजुअल इंसान का आना इतना आसान है नहीं, हर जगह कैमरे हैं और इमिग्रेशन बहुत टाइट है और सिक्योरिटी बहुत टाइट है, मतलब टीवी खोल के देखोगे तो हमेशा लड़ाई की बात चल रही होगी। तो खैर अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, और पूरी सीरीज़ आएगी इसको ज़रूर प्यार दें, अल्लाह हाफिज़।